सीबीआई ने जिन पांच कंपनियों को लेकर एफआईआर दर्ज किए हैं उनमें एक जेएलडी यवतमाल भी है। ये वही कंपनी है जिसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्री प्रकाश जायसवाल जो कि कोयला मंत्री है उन पर आरोप लगाए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया का आरोप है कि श्री प्रकाश जायसवाल की सिफारिश पर कांग्रेस सांसद विजय डरडा की कंपनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी को 2008 में खदानें दी गयी। किरीट सोमैया का आरोप है कि 2006 में जेएलडी यवतमाल एनर्जी सिर्फ खदान पाने के लिए ही बनाई गई थी, जिसके निदेशक थे विजय डरडा और उनके भाई और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राजेंद्र डरडा। अब डरडा ने सफाई देते हुए कहा है कि आवंटित खदानें तो उन्होंने 2008 में ही बेच दी थी और सोमैया के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने 1,00,000 रुपया सिर्फ भरा था और मैं उसमें से 2008 के पहले निकल गया था। 2008 भैया भी अपन कौन से साल में, शायद 12-4 साल पहले। और ये जो आप कोयले की बात कर रहे हैं ये कब 2012 में शायद जनवरी में कभी तो भी आया है, मैं 2008 में ही बाहर निकल गया। दरडा ने किरीट सोमैया के आरोपों को खारिज कर दिया है। दरडा का कहना है कि आरोप साबित हुए तो इस्तीफा दे देंगे। सोमैया ने अब राजेंद्र दरडा के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि सोमैया का कहना है कि दरडा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन किरीट सोमैया ने दरडा के दावे को झूठा करार दिया है। सोमैया के मुताबिक दरडा के पास 2011 तक की खदानें थी। कि ये दरडा जायसवाल की और एक कंपनी है जो जायसवाल कॉर्पोरेट इस्पात, उसका 10 रुपए का शेयर, उसको एक खदान मिली 9 में से, 10 रुपए का शेयर 3,140 रुपए में 31 मार्च 2012 में बेचा गया। अभी तो वहाँ कुछ भी किसको बेचा गया, ये शेयर किसको बेचा गया? अभी वो प्राइवेट प्लेसमेंट किए गए हैं। यानी मेरा अर्थ ये है कि 310 टाइम प्रॉफिट हुआ।